दोस्तों, आप सभी लोग एक यूट्यूबर हो और आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि जब हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा चैनल 100 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन जो है कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद हमारे चैनल पर कौन कौन से फीचर जो है इनेबल हो जाते हैं, यानी कि जब आपका चैनल 100 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर लेता है तो आपको कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। सबसे पहला फीचर जो कि आपके 100 सब्सक्राइब कंप्लीट होने पर आपके चैनल पर इनेबल हो जाता है, वो है मेंशन का। ये फीचर आपको पहले 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मिलता था, लेकिन अब आपको ये 100 सब्सक्राइबर पर भी मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हम किसी भी बड़े यूट्यूबर या किसी भी यूट्यूबर को इसमें मेंशन कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से हम अपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन में किसी भी यूट्यूबर को मेंशन कर सकते हैं, यानी कि उसे टैग कर सकते हैं। अगर हमने मान लो कोई भी वीडियो बनाई और अगर उसे टैग किया है तो उसके पास भी इसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो आप लोगों ने जिस भी यूट्यूबर को इसमें मेंशन किया है वो भी आपकी वीडियो को देख सकता है। अब बात करते हैं दूसरे फीचर्स की जो आपको 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मिलता है। आपका जो दूसरा फीचर है वो है लाइव स्ट्रीम। पहले ये फीचर आपको 1000 सब्सक्राइबर पर मिलता था, लेकिन अब ये 100 सब्सक्राइबर पर ही आपको मिल जाता है। आप लोग के 100 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोग भी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तीसरे फीचर्स की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में जो बेल आइकन आने वाला है उस पर भी प्रेस करके आल पर क्लिक कर देना, जिससे क्या है कि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि ये तीसरा फीचर जो हमें मिलता है कस्टम यूआरएल का। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आपको भी कस्टम यूआरएल का जो है फीचर देखने को मिल जाता है। इस फीचर में आप लोग अपने चैनल का अलग ही कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं, और इससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कभी भी अपने चैनल का यूआरएल किसी के पास सेंड करते हैं तो वो जो यूआरएल है या वो लिंक है वो बहुत बड़ा होता है और हमें बार बार उसे कॉपी करना पड़ता है। आप लोग अपना कस्टम यूआरएल बना लेते हैं, आपने जिस नाम से भी अपना यूआरएल बनाया है, और अगर आपको किसी को उसे सेंड करना है तो आप लोग www.youtube.com करके और आगे अपने चैनल का जो भी नाम है जैसा आपने यूआरएल कस्टम यूआरएल बनाया है वो टाइप करके किसी को भी भेज सकते हैं, और अगर वो उस लिंक पर क्लिक करेगा तो आपका ही चैनल खुलेगा। तो इस तरह से ये तीनों फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों को कस्टम URL कैसे क्रिएट करना है या कैसे बनाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।